श्री राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? यदि आप दिन प्रतिदिन कर्ज से परेशान होते जा रहे हैं, कर्ज के अनेकों रास्ते ढूंढने के बाद भी कर्ज मुक्ति से निदान नहीं पा पा रहे हैं, कर्ज है कि बढ़ता जा रहा है, माता लक्ष्मी आने का नाम ही नहीं ले रही, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का यह विशेष उपाय आपके लिए है। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिए, पूरे ध्यान से देखिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? चलिए, अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं अपने कर्ज मुक्ति के विशेष उपाय की ओर, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। यह उपाय आपको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में कर्ज मुक्ति दिला देगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको आवश्यकता होगी लाल चंदन की। यदि आपके पास लाल चंदन ना हो तो कुमकुम या सिंदूर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस एक स्वास्तिक और एक स्वास्तिक आपके जीवन से कर्ज मुक्ति मिटा देगा। अब ये स्वास्तिक बनाना कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं। आपको लेना है एक नारियल, जानते हैं ना, जिसे हम श्रीफल के नाम से भी जानते हैं। नारियल, श्रीफल साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको यह उपाय बिना बोले बिना टोके करना है, जिससे कि आपको इसका अति शुभ फल प्राप्त होगा। आपको लेना है पानी वाला नारियल। आपके पास लाल चंदन, कुमकुम या सिंदूर, जो भी घर में आपके उपलब्ध हो, उसे घोलकर एक पेस्ट बनाना है। और उससे, जैसे कि हम अपने माथे पे टीका लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही, और एक स्वास्तिक का इसके नारियल के ऊपर निर्माण करना है। निर्माण करते समय, नारियल अंकित करते समय, आपको अपनी कर्ज मुक्ति की प्रार्थना माता लक्ष्मी से करनी है कि माता लक्ष्मी हमारे घर आइए, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलाइए, हम अति परेशान हैं, आपकी संतान हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप स्वास्तिक का निर्माण कीजिए। इस नारियल को दोनों हाथों में लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम कर आना है और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी बोलते जाना है। सिर्फ घर का बाथरूम छोड़ देना है, ठीक है? वापस आने के बाद, पूरे घर में घूमने के बाद, इस नारियल को आपको किसी लिफाफे में या किसी कपड़े में इसको बांधकर रखना है और जाना है। जो आपको समय बताया है, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक के बीच में हनुमान बाबा जी के मंदिर, और वहां जाकर आपको थोड़ा सा गुड़ लेकर जाना है, गुड़, चीनी, शक्कर, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। और नारियल अर्पित करना है, गुड़ शक्कर चीनी का भोग लगाना है, एक दिया लगाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। बाबा, हम बहुत परेशान हैं, कर्ज है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बाबा, हम बहुत परेशान हैं, कर्ज है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। माता लक्ष्मी ना जाने क्यों हमसे रुष्ट हैं, तो माता लक्ष्मी तक हमारा यह आग्रह पहुंचाइए। विश्वास कीजिए, आपको यह उपाय 5 मंगलवार लगातार करना है और 3 महीने में आपकी कर्ज मुक्ति की समस्या का अंत हो जाएगा। रखिएगा पूर्ण विश्वास आस्था में और श्रद्धा में। माँ लक्ष्मी, महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।